नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीसेल क्रैकर्स के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं जीनर डायोड। ये जो जीनर डायोड है ना, ये तकरीबन हर जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी जूनियर इंजीनियर जेई प्लस एई के एग्जाम में। असिस्टेंट इंजीनियर मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया दोस्तों, पिछले साल जो यूपीपीसीएल के असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था वो थोड़ा सा ट्विस्टेड एग्जाम था, ठीक है। क्योंकि जो असिस्टेंट इंजीनियर का पिछले साल एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें सबसे दिक्कत वाली बात क्या थी कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हुए थे, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हुए थे, ठीक है, बेतहाशा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे हुए थे उसमें, ठीक है। तो कोई भी असिस्टेंट कोई भी जेई प्लस एई दोनों की तैयारी कर रहा है इसमें, तो वो भी इस लेक्चर सीरीज को हमारी देख सकता है जिसमें हम जीनर डायोड पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले वाले जितने आप लेक्चर देखना चाहते हैं वो मेरी प्लेलिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने अपना ये जितनी भी बातें मैंने बोल दी है ये सब है कि जो जो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। जिसने अभी तक नहीं देखा, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं जीनर डायोड को। देखिए जीनर डायोड का जो सिंबल होता है, देखिए सिंबल ना, एक सिंबल मैं इसलिए बनवाता हूं यूपीपीसीएल में खासकर, चाहे वो एई का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो, भाई एक से दो क्वेश्चन सिंबल के देखने को मिल रहे ही मिल रहे हैं। सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल जेई एग्जाम्स। ऑल तो छोड़ो, यूपीपीसीएल जेई एग्जाम्स के लिए सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भाई आप सिंबल नहीं पढ़ के गए तो आप अपने दो नंबर खो दोगे, ठीक है, टू मार्क्स यू विल लूज, ठीक है। तो यदि आप ये दो नंबर नहीं खोना चाहते तो सिंबल आपको याद रखने हैं। तो जीनर डायोड का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, इसको जीनर डायोड बोलते हैं। और ये डायोड जो होता है ना, बेसिकली इसमें ये एनोड का एनोड हो गया इधर वाली साइड, यानी पॉजिटिव साइड, ये कैथोड यानी कि नेगेटिव साइड, ठीक है। ये हमारे पास जीनर डायोड का सिंबल है। अब जीनर डायोड जो काम करता है वो काम करता है जीनर इफेक्ट पे, और जो जीनर इफेक्ट होता है ना उसकी व्याख्या यहाँ पे करी हुई है। ये एक एक लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि बाकी सारे चैनल्स पे दोस्तों रटवाया जाता है, मेरा एक अकेला ऐसा चैनल है जिसपे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में आप कोई भी जेई और एई का एग्जाम तभी निकाल सकते हैं जब आपको किसी चीज की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो। तो जीनर डायोड को पढ़ने से पहले, यानी जीनर डायोड को पढ़ाई जीनर इफेक्ट पे जाता है। ये जीनर इफेक्ट क्या होता है अभी समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है। देखिए, जीनर ब्रेकडाउन ऑब्जर्व्ड इन द डायोड हैविंग जीनर वोल्टेज लेस देन 5 वोल्ट, 5 वोल्ट या उससे कम वोल्टेज पे जीनर ब्रेकडाउन होता है किसी भी जीनर डायोड के अंदर, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएल में डायरेक्ट पूछने की संभावना है, ठीक है, 5 वोल्ट पे, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर रखी है यहाँ पे, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, पहले यहाँ पे पढ़िए। व्हेन अ रिवर्स वोल्टेज ऑफ 5 और लेस वोल्ट इज अप्लाइड टू द जीनर डायोड, किसी भी जीनर डायोड पे जब हम रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करते हैं 5 और उससे कम वोल्ट की, ठीक है, 5 और उससे कम वोल्ट की टू द जीनर डायोड, ठीक है ना, अ वेरी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। तो एक इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है इसमें। क्यों सेटअप होता है, क्योंकि जीनर डायोड जो होता है ना वो एक हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। तो जब भी पीएन जंक्शन हैवीली डोप्ड होता है ना, तो उसकी जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो बहुत ही ज्यादा नैरो होती है। तो नैरो डिप्लीशन विड्थ होने की वजह से जैसे ही हम इतनी कम रिवर्स वोल्टेज देते हैं 5 वोल्ट के आसपास भी, ठीक है, तो क्या होता है, एक इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से, इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से जो नैरो डिप्लीशन रीजन होता है, नैरो डिप्लीशन रीजन किसकी वजह से होता है, हैवी डोपिंग की वजह से। यहां पे लिख दो, हैवीली डोप्ड रिवर्स्ड बायस डायोड होता है जीनर डायोड, ठीक है, जीनर डायोड, ठीक है, ठीक है, हैवीली डोप्ड रिवर्स बायस डायोड होता है जीनर डायोड, और उसकी वजह से एक नैरो डिप्लीशन रीजन सेटअप होता है जो कि स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू कंडक्शन बैंड। सबको पता है किसी भी डायोड में कंडक्शन तभी होती है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते हैं। अब कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड्स का ब्रेक होना बहुत जरूरी है ताकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन पाए। तो ये जो 5 वोल्ट की रिवर्स वोल्टेज होती है ना, ये नैरो डिप्लीशन रीजन पे एक इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट करके जो कि इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचा देता है इजिली बाय ब्रेकिंग कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन देन बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं कंडक्शन के लिए, और इस प्रकार जीनर डायोड में कंडक्शन होती है। और इस जीनर डायोड को बोला
ये जो टोटल इफेक्ट है ना यहाँ पे, ये जो हुआ है ठीक है, ये जो टोटल हुआ है इसी इफेक्ट को बोलते हैं जीनर इफेक्ट, ठीक है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जीनर इफेक्ट, यानी कि जो जीनर डायोड में, जो जीनर डायोड में हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो कंडक्शन बैंड में हमारे चले जाते हैं अपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके, ठीक है ना, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तो उसी इफेक्ट को बोलते हैं जीनर इफेक्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, ये होता है जीनर इफेक्ट, और ये पूछा भी जा सकता है जीनर इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। इसी इफेक्ट को बोला जाता है जीनर इफेक्ट, ठीक है, इसी इफेक्ट को बोला जाता है जीनर इफेक्ट। अब हम आगे समझेंगे कि अब जरा पहले थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसकी, ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे चलती है, ठीक है। तो अब ये होता क्या, देखिए जो जीनर डायोड होता है ना, इसमें जो जीनर इफेक्ट होता है ना, जैसे करंट हैवीली बढ़ने लग जाता है, लेकिन जो ये जो जीनर डायोड की जीनर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, शार्प ब्रेकडाउन होने की वजह से, ठीक है, देखिए यहाँ पे शार्प ब्रेकडाउन होता है कैसे, जैसे ये जीरो है, ठीक है, जैसे जैसे मैंने जीनर वोल्टेज बढ़ाई तो थोड़ा यहां से बढ़ा, जैसे ये जीनर वोल्टेज हमारी आ गई ना, तो एकदम देखो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एकदम ऐसे शार्प नीचे की तरफ गई हुई है, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जीनर डायोड की, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ये जो शार्प ब्रेकडाउन यहां पे हुआ है ना, और ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो यहां पे हिस्सा है शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है, एक मिनट पानी पी रहा हूं, आया मैं अभी। तो जो VZ जो हमारी जीनर वोल्टेज है ना, इसी को जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। जैसे यहां से चलनी शुरू हुई, यहां पे VZ पे हम पहुंचे, इसको जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। इस वोल्टेज के बाद, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज को अचीव करने के बाद, ये कैरेक्टरिस्टिक समझिए कि यहां पे जो जीनर जो वोल्टेज होती है ना जीनर डायोड के अक्रॉस, वो कांस्टेंट हो जाती है। आप देखोगे यहां पे कांस्टेंट हो रही है, इसी कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जीनर डायोड को, अब जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं ये पॉइंट डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसी कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है। सो जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर्स में भी यूज करा जाता है।